करण कुंद्रा ने किया शाइशा और शिवम को सपोर्ट, टीम ब्लू को लगाई जबरदस्त फटकार। रियलिटी शो लॉकअप में ब्लू टीम लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से लगभग हर टास्क हारती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि टीम ब्लू के कैदियों का मनोबल भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज टीम के कैदियों का न सिर्फ मनोबल बढ़ा हुआ है बल्कि वो हर टास्क में फतह हासिल कर रहे हैं, और जब कोई टीम एक तरफा जीत हासिल करने लगे तो उस खेल का मजा किरकिरा हो जाता है। और शायद यही कारण है कि लॉकअप में जेलर की फिर एंट्री हुई है और टीम ब्लू के प्रदर्शन के लिए उन्हें फटकार लगाई गई है। करण कुंद्रा ने टीम ब्लू के सभी सदस्यों को फटकार लगाई है और ये बताया है कि टास्क के दौरान आपके खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद टास्क में आपकी हार हो रही है, जिसके पीछे का कारण ये है कि आप अपने टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं कर पाते। करण कुंद्रा ने पिछले टास्क की याद दिलाई और बताया कि शाइशा और शिवम ने पूरी जान लगाकर टास्क में हिस्सा लिया था, लेकिन आप लोग उनकी हौसला अफजाई नहीं कर पाए और नतीजा ये हुआ कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आपकी टीम ब्लू हार गई। जब कोई टास्क हारता है तो उसका ठीकरा टास्क में हिस्सा ले रहे कैदियों पर फोड़ा जाता है, जबकि उसके लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है। करण कुंद्रा ने शाइशा की जमकर तारीफ की और बताया कि टास्क में हमेशा शाइशा का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। शिवम को करण कुंद्रा ने सलाह दी और ये कहा कि आपको आपका अग्रेशन कम करना होगा, और ये बताया कि टास्क के दौरान आपका भी प्रदर्शन बेहतर होता है, लेकिन गेम में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टास्क में प्रदर्शन दिखाना जरूरी नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी आपको बाहर लाना होगा। टीवी और इंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।